I've seen. कैसे हैं आप सभी, आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सबसे पहले आप सब लोगों को और एक बार दोबारा से स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में नए सुबह के साथ। तो अभी मैं उठ के आई हूँ, अभी 8:30 हो रहे हैं और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट आप देखो, ये आज हमारे यहाँ का मौसम है। वाओ, नज़र ना लगे किसी की क्योंकि मौसम चेंज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। सो गाइस ये था हमारे यहाँ का मौसम आज का। आई थिंक बारिश होने वाली है, आई होप हो जाए बारिश तभी थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। सो चलिए चलते हैं अभी ऊपर और देखते हैं मम्मी पापा और अम्मा क्या कर रहे हैं। चलिए, ये हमारी अम्मा बैठी हैं। अम्मा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गए? हाँ झाड़ रहा तो वो कहे है? जाड़ो ना, आज आज जन कहे जाड़ो ना, जाड़ो ना। यार मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बस बारिश हो जाए थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह हमारी मम्मी बना रही है। क्या बना रही है मम्मी आज? आज मैंने बनाया है तेरे लिए, तो मेरे को भगवा होती है। क्या? बैगन की सब्जी वो बना दी और उड़द चने की दाल बना रही हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बताओ क्या खाएगी। तो वही बना दूंगी जब बारिश होगी तब। तो यहाँ पर मम्मी का बन रहा है खाना अभी। आज ये मॉर्निंग में जल्दी आ गई उठे गाइस, आज जल्दी आ गई है। पता है रात को इनको भूख लगी थी, कह रहे मम्मी ऊपर चल दो मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा मैं नहीं आती, पापा को ले जाते। एक तो पापा और ये आए ऊपर, फिर आपने चावल खाए थे? हाँ। इन्होंने चावल खाए, गर्म करके ले गए थे? नहीं नहीं, ठंडे ही ले गए फ्रिज के। देखो ऐसे आलसी है ये। और क्योंकि कल इसने ना 9 बजे खाई थी, 9:30 बजे ही रोटी, तो इसको भूख लग गई होगी जल्दी। आज के बाद इसलिए पहले ही रोटी बना के ले जाऊंगी मैं नीचे। वेरी गुड, भूख तो रोज लगती है पर कल ज्यादा ही लग गई थी, सहन ही नहीं हो रहा था। तेरे पास आने में डर लगती थी, मन का यार एक बार तो उठा दिया, दूसरी बार उठाऊंगी तो चिल्लाएगी, पापा कैसे उठाऊं। तो आप ले, आप खाना दो रोटी नीचे रख लिया, भूख लगी खा लो, नहीं लगी मत खाना। अम्मा को दिखा, मेरी अम्मा मैं दौड़ के तैयार। तो गाइस एक्चुअल में हुआ ऐसा था, कल रात को 9 बजे मैंने खाना खा लिया था, उसमें भी एक रोटी खाई थी मैंने। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे वॉकिंग के लिए और वॉकिंग करते 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 सारा खाना हजम हो गया मेरा, ठीक है। और फिर रात को हम लोग आए, मैंने दूध पिया और मेडिसिन खाई, फिर उसके बाद मैं सो गई। और रात को अप्रोक्स 2 बजे के करीब मुझे लग गई बहुत तकड़ी वाली भूख। मम्मी को ऑलरेडी मैंने एक बार पहले डिस्टर्ब कर चुकी थी वॉशरूम के लिए, क्योंकि मेरे को बाहर वॉशरूम अकेले आने में डर लगता है। हंसने वाली बात नहीं है, सबको लगता है वो, है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ था रात को। तो मैं वैसे तो मैं आती नहीं हूँ बाहर, मतलब वॉशरूम के लिए आती नहीं हूँ, कल वॉशरूम जाना पड़ा मुझे, तो मैंने मम्मी को उठा दिया और उसके तुरंत आधे एक घंटे बाद मुझे भूख लगी होगी बहुत तगड़ी वाली। फिर मैंने सोचा यार मम्मी को उठाऊंगी और मम्मी चिल्लाएगी कि बार बार उठा रही है करके। मैं थोड़ी देर सोचती रही किसको उठाऊं किसको उठाऊं किसको उठाऊं, पापा को उठाती। फिर मैंने सोचा यार पापा की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, मॉर्निंग में उनको ऑफिस जाना है, तो इसलिए मैंने पापा को भी नहीं उठाया। फिर मैं भाई से बोलने वाली थी, भाई भी सो गए थे दोनों के दोनों, मैं किसको बोलती। लास्ट 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 ऑप्शन मेरा मम्मी ही था, मैं दोबारा मम्मी के पास ही गई, मैंने आराम से बोला। उनका मम्मी बोलती है हाँ क्या हुआ, तभी ठीक है ऐसे? मैंने कहा हाँ तभी ठीक है, मैंने कहा भूख लग रही है मुझे। मम्मी कह रही यार तूने परेशान कर दिया, पापा को लेके चली जा। मम्मी आई नहीं मेरे साथ, मम्मी कह रही मैं नहीं उठ रही हूँ, अब मैं नहीं आ पाऊँगी, पापा को उठा के ले जा। फिर मैंने पापा को उठाया, फिर पापा और मैं ऊपर आए, फिर मैंने खाना खाया और देन हम फिर नीचे गए सोने के लिए। तो ये थी कल रात की स्टोरी। सो वो अभी मम्मी आप लोगों को बता रही थी कि इसने ऐसा ऐसा किया। अब कल से मैं क्या करूँगी, अपना एक्स्ट्रा खाना नीचे रख लिया करूँगी और फिर मैं नीचे ही खाया करूँगी।
अगर भूख लगेगी तो। वैसे क्या होता है ना, मुझे भूख लगती है, ठीक है, क्या होता है मैं एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खा पाती हूँ तो फिर मुझे भूख लगती है, बट कल कुछ ज़्यादा ही लग गई थी। और दिन तो मैं सहन कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, पर कल कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई थी, मैं सहन नहीं कर पाई, इसलिए मुझे पापा और मम्मी को डिस्टर्ब करना पड़ा। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, हम बच्चे हैं, हम कर सकते हैं। सो चलिए, अभी का मौसम तो आप देख ही रहे होंगे, और आज मेरी एक फ्रेंड और आने वाली है मुझसे मिलने। यार ये साली ना बहुत नालायक है, सबके सब ये मौसम का वेट करते हैं कि कब मौसम अच्छा होगा और हमने यहाँ से मिलने जाएंगे, ना कितने गंदे हैं यार ये सबके सब। तो आज वो आ रही, आ सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि उसका ऑफ है आज। मैं उसको अभी कॉल करने वाली हूँ, अगर वो आएगी तो मैं वापस आपसे उनको ज़रूर मिलाऊँगी। तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए और कॉल करती हूँ मैं उसको, अभी पूछती हूँ कि आ रही है नहीं आ रही, अदरवाइज़ मैं ही कहीं का प्लान बनाती हूँ आज जाने का, घूमने का। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी के लिए बाय। सो गाइस, ये हो चुकी है काफ़ी तेज़ वाली बारिश, अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पापा हो चुके हैं ड्यूटी के लिए रेडी, अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हाय कर दो इसे। अभी मम्मी नहाएगी, मैं दिखाऊंगी मम्मी का डांस। ये हमारी अम्मा है, अम्मा हाय कर दो ऐसे, ऐसे करो वही। अम्मा नाश्ता कर रही है हमारे। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने नहा लिया है, स्टिल बारिश इज कंटिन्यू, बारिश अभी भी आ रही है बट उतनी जोर की नहीं आ रही है जितना स्टार्टिंग में आ रही थी। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मेरा चार्जर रह गया नीचे सोनू के पास, मुझे लगा वो आ जाएगा ऊपर बट वो नहीं आया, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है नीचे चार्जर लेने के लिए क्योंकि फ़ोन बिल्कुल 5% पे है और बारिश हो रही है तो लाइट का भी हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी है, दिल्ली है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ लाइट नहीं जाती है, यहाँ भी लाइट जाती है और फिर आती है वही 3-4 घंटे में सीधे, पहले तो कटती नहीं है, कटती है तो फिर वही लंबे टाइम। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मतलब ख़राब का मतलब है कि धूप आ चुकी है बहुत तेज़ वाली। तो हमारी अम्मा बैठी है देई में, मतलब गेट पर, हमारे गांव में जो पहाड़ी में है, पहाड़ी होंगे उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। देई का मतलब होता है जो गेट का वो होता है, क्या बोलते हैं, गेट पर बैठने को देई पर बैठे हैं ऐसे बोलते हैं। तो हमारी अम्मा ये बैठी हुई है गांव की तरह, आप भी देख लो कैसे बैठी है। अम्मा क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आप यहाँ देखो क्या कर रही हो, आप यहाँ बैठ के क्या देख रही हो, क्या दिख रहा है आपको इधर उधर, देखो क्या है, कुछ तो दिख रहा होगा यार अम्मा, कुछ तो दिख रहा होगा आपको, पेड़ों को नहीं गड़ा को नहीं देख रहा। अच्छा, गांव की याद आ रही है ना, क्या नॉर्मल, किसी की याद नहीं आ रही आपको ना, मुझे उज्जा किले अब खाता हूँ वहाँ, अब कौन सा यार मेरे का। अरे अम्मा तुम तो अभी जवान हो, अभी घुमा के लाएंगे तुमको, हैं अब मरना तो है मारो, हाय आई कहाँ आई, तो तुम जवान छा, ये देखो यो तुम बुला, देखो आई तो तुम जवान छा है, दिन जा आगे जा बुढ़ा जानता है अगिल करने ना ना जानो ना जानता है ना। तो मम्मी लेके आ गई है खाना हमारे लिए। हाय गाइस, कैसे हो, आज मम्मी ने नई टी शर्ट पहनी है, आज मम्मी ने नई टी शर्ट पहनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मम्मी कैसी लग रही है। अभी मम्मी बिजी है क्योंकि वो फोन पे बात कर रही है, आगे दोबारा बात कर रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मम्मी कैसी लग रही है मेरी। मम्मी ब्यूटीफुल खुद की तारीफ खुद ही कर लो, ये सही है, खुद की तारीफ खुद ही कर लो। सो अभी हमारा खाना लग चुका है, चलो अम्मा खाना खा लेते हैं।
सो अम्मा उठने का नाम ले रही है। अभी बारिश हुई थी, अम्मा तब से यहीं बैठी हुई है, मतलब बाहर आके देखती रहती है। तो अभी खाना खाने के लिए देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है, तो दिखाती हूँ आपको बैक वाले कैमरे से। तो यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है, ये हमारा खाना है। यहाँ पर मैंने खा लिया है खाना और मम्मी खा रही है अभी, अम्मा भी खा रही है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा लंच हो चुका है कंप्लीट और टाइम भी हो रहा है, 2:30 बज गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। अभी तक जो भी एक्टिविटी हमने की है मैंने आपको दिखा दिया है। बाहर का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ है, सडन से धूप आ गई है। बारिश के बाद धूप कितनी गंदी लगती है वो तो मुझे पता है। तो अभी चलते हैं नीचे रेस्ट करने के लिए और जब शाम को मैं उठूंगी उसके बाद मैं शाम का दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी के लिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जो मेरे इस चैनल में अभी नया है मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अभी शाम को, अभी के लिए बाय। तो गाइस फाइनली मेरी फ्रेंड आ चुकी हैं, आप लोग इनसे लास्ट वीडियो में भी मिले थे, शशि दी। अभी तक मैं इनका ही वेट कर रही थी, 1 महीने होने वाला है मेरे को, ये अभी तक मेरे से मिलने नहीं आई है। आज मेरे से मिलने आई, मैं अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं हो रही है, ये स्मार्ट लग रही है इसलिए मैं इनको दिखा रही हूँ। तो चलिए अभी तक का ब्लॉग मेरा, मैं सोच रही थी कि थोड़ा कंटिन्यू करूँ आगे क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। और आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और क्या करना है चैनल को, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, शेयर करना है। हाँ सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।